हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइदर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए। क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ दो पॉइंट थे, इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है एंड वाई इज पॉजिटिव, ये वाई क्या है, पॉजिटिव है, देन वाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या होगा। ए पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3 0 है और एक बी पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 y है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट। ध्यान रहे कि वाई का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है ना जी। चलिए तो यहाँ से ए बी दिया हुआ है आपके पास 5 यूनिट, दिया ना जी 5 यूनिट, तो हम लोग यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं तो हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस में 0 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25। यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में, ये जाके उधर 16 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा, रूट लगेगा लेकिन सिर्फ प्लस में ही होगा, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ कह रहा है कि वाई इज पॉजिटिव, यानी वाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25।